तो इन लास्ट क्लास हमने क्या देखा था कि फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रांसमिशन लाइन। हमने ये भी देखा था वट एवर द क्वांटिटी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज़ नोन एज ट्रांसवर्स। अब देखे थे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम वन कंडक्टर एंड टर्मिनेटेड टू अनदर कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज़ लाइक दैट। तो आपने देखा क्या था कि दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर थे। और आपने डिसीजन लिया था कि ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट्स TEM मोड। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या देखा था कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन थी, प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन, जो कि क्वासी TEM मोड को सपोर्ट कर रही थी। ट्रांसमिशन लाइन में दो फिनोमिना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वन इज़ ट्रांजिट टाइम इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ स्किन इफेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को समझते हैं कि क्या है। कि इस स्ट्रक्चर को देखने पे ये तो पता चलता है कि ये बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है। इस स्ट्रक्चर को मैंने एक एक्साइटेशन से कनेक्ट किया, उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एफ है। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा मैं ऑपरेटिंग वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन ये वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ वन साइकिल इज़ नोन एज वेवलेंथ। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वेवलेंथ है। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये तो पता चलता है जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है और ये वेवलेंथ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग वेवलेंथ। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद तो मुझे ये पता चलता है। साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगी, और टाइम टेकन बाई द वेव टू ट्रेवल डिस्टेंस एल इज़ नोन एज ट्रांजिट टाइम। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में वेव को जो भी टाइम लगेगा दैट इज़ नोन एज ट्रांजिट टाइम। तो क्या ट्रांजिट टाइम का इक्वेशन मैं ऐसा नहीं लिख सकता, लेंथ डिवाइडेड बाई वी पी। वी पी क्या है? वी पी इज़ द फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव। आपको मैंने बताया था कि एक सिंगल वेव की वेलोसिटी को मैं क्या बोलता हूँ, फेज वेलोसिटी बोलता हूँ। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि यदि कोई कहे कि ये वेव लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा, तो आप उसे बिल्कुल नहीं मानना। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे प्रैक्टिकल कंडक्टर्स हैं वो परफेक्ट नहीं होते। तो हमेशा याद रखना कि इस वेव का जो वेलोसिटी होगा ऑलवेज लेस देन सी होगा। अच्छा, इसको इसमें जो भी हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखी है वो मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा लिखी कि लेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा। क्या मैं लेमडा का इक्वेशन ऐसा नहीं लिख सकता क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा? तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मैंने क्या निकाला, वी पी ओवर फ्रिक्वेंसी। वी पी ओवर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई किया, तो एल ओवर वी पी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/f। अच्छा, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ साइकल्स इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखिए, फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड। अच्छा, इस टाइम पीरियड के बाद वेव क्या करेगी, अपना शेप रिपीट करेगी। तो इस एक ऐसा टाइम जिसके बाद वेव अपना क्या करती है, शेप रिपीट करती है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, टाइम पीरियड बोलता हूँ। तो एल ओवर वी पी को मैं ट्रांजिट टाइम लिख सकता हूँ यहाँ से, और 1/f को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी लिख सकता हूँ। तो ट्रांजिट टाइम बेसिकली क्या है, सिर्फ एक ही लाइन में है कि वेव विल टेक फाइनाइट टाइम लेगा वेव ए से बी तक पहुँचने में, और इसी टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांजिट टाइम बोलता हूँ। अब देखते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो स्किन इफेक्ट में देखिए कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने डीसी से कनेक्ट किया है। इस कंडक्टर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखिए कि मैंने इसको फिल करके रखा है कलर से। इसका मतलब क्या है
कि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, लेकिन करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस बोलता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा DCR, इसका मतलब क्या है, DC रेजिस्टेंस। अच्छा, इसी कंडक्टर में मैंने क्या लगाया, AC लगाया, और AC की कुछ ना कुछ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। इस कंडक्टर का फ्रंट व्यू देखिए, ये ब्लू कलर से जो मैंने फिल करके रखा है, आप देखिए कि करंट इस एरिया से पास हो रही है, ना कि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस कंडक्टर में क्या हो गया, इसका इफेक्टिव एरिया जिससे करंट फ्लो होना था वो क्या हो गया, बेसिकली रिड्यूस हो गया। यदि कंडक्टर का एरिया रिड्यूस हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, तो ये देखिए इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, और रिड्यूस हो गया। और मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, करंट क्या होगा, करंट कंडक्टर के स्किन से फ्लो करने लगेगा। अच्छा, ये इस डेप्थ को जिससे करंट फ्लो होती है इसे बोलते हैं स्किन डेप्थ। अच्छा, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। करंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, स्किन पे। जैसे जैसे मैं रेडियली अंदर की तरफ जाऊंगा तो वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली क्या होगी, रिड्यूस होगी। अच्छा, ये स्किन डेप्थ किस पे डिपेंड करता है, ये देखते हैं। स्किन डेप्थ का इक्वेशन देखिए, हालांकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। स्किन डेप्थ इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड मटेरियल पैरामीटर। आप देखिए कि ये स्किन इफेक्ट आता क्यों है। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर की वजह से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे दो मैंने लूप बना के रखे हैं, इनको बोलते हैं एडी करेंट्स। एडी करेंट्स हमेशा लूप के फॉर्म पे होते हैं। अच्छा देखिए, इसका और इसका दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब एसी के केस में करंट कहाँ कहाँ से पास, करंट के पास होने की टेंडेंसी कहाँ से होगी, कंडक्टर के आउटर एरिया से, ना कि सेंट्रल एरिया से, सेंट्रल रीजन से। तो इस तरीके से हम स्किन इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हायर फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट का कंसेप्ट बहुत यूज़ होता है। अच्छा, साथ साथ ये भी देखिए कि ये तो रहा ट्रांजिट टाइम और स्किन इफेक्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर और लम्प पैरामीटर और प्राइमरी कॉन्स्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।